अलैकुम। ठीक हो? दुआ करता हूँ आप सारे अच्छे से रहें, खुश रहें। आज की वीडियो है सैमसंग के बारे में। हम सैमसंग को बिल्कुल फ्री FRP कैसे कर लेंगे, ठीक है? चाहे आपके पास एंड्रॉयड 6 हो, 6 से लेके 12 तक, एंड्रॉयड 12 क्यों ना हो, ठीक है? वीडियो को कंप्लीट देख लेना। पहली वाली वीडियो मैंने आपको बताई थी हम फ़ोन को डाउनग्रेड कैसे करते हैं, ठीक है ना? तो इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, क्योंकि जब आप मुझे कमेंट करते हो तो तब जाके मुझे पता चलता है मैं भूल कहाँ पे गया, मतलब कहाँ पे भूल गया मैं कुछ बोलना या कुछ करना, ठीक है? तो आप मुझे याद दिलाते हो, तो वही जो छोटी मोटी गलती थी उसी को फिक्स करने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है? आप वीडियो को अच्छे से समझना मैं क्या कर रहा हूँ और क्या बोल क्या रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है आप समझ जाओगे फिर अच्छे से, ठीक है? जैसे इस फ़ोन को FRP लगी है, ठीक है, इसको मैं स्विच ऑफ करता हूँ। आप देख लो, एंड्रॉयड वर्जन भी आपको मैं दिखा दूंगा, यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है? एक और वो जो चीज़ है, जैसे मैं आपको अभी इसका एंड्रॉयड वर्जन अंदर से भी चेक करवा लूँगा, ठीक है? वॉल्यूम अप और ऑन ऑफ स्विच यूज़ किया मैंने, उसके बाद फिर वॉल्यूम अप और ऑन ऑफ स्विच प्रेस कर लूँगा मैं। उल्टा एल, यहाँ पे हमने डबल क्लिक करना है। ये आ गया ना, यूज वॉइस कमांड पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करना है। गूगल असिस्टेंट, हे गूगल, ओपन सेटिंग। ठीक है दोस्तों, टॉकबैक ऑफ मैंने किया, वॉल्यूम अप और ऑन ऑफ स्विच, ठीक है? अब मैं जाऊंगा यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है? ये तो वैसे इस फ़ोन के बारे में बता रहा हूँ, आप मुझे बहुत बार बोल रहे थे ये फ़ोन तो एक ही क्लिक से अनलॉक टूल UMTSP फ्लैश टूल से हो जाएगा, मुझे पता है। पर मसला पता क्या है, मैं क्या सिखा रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ जैसे ये एंड्रॉयड वर्जन 11 है, 12 भी होता कोई मसला नहीं था, मुझे कुछ और आपको सिखाना है, ठीक है? आप कोई भी फ़ोन कैसे करो, 99% हो जाते, कोई एक आधा फ़ोन ऐसा होता है जिसकी फाइल हमें नहीं मिलती है, वो एक ही क्लिक से नहीं होता। जैसे ये फ़ोन है मेरे पास, तो देखो मैं इसको बिल्कुल फ्री कर सकता हूँ SP फ्लैश टूल से, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे सॉरी, जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फ्लैश टूल को ओपन करता हूँ, ठीक है? ये आपके सामने फ्लैश टूल को ओपन करता हूँ मैं, ठीक है? यहाँ पे मैंने वही फाइल लानी है, ठीक है? डेस्कटॉप पे जाऊँगा मैं, उसके बाद 810 है, ठीक है? इसको मैं बिल्कुल फ्री कर सकता हूँ मैं, कोई डोंगल कोई बॉक्स की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है? उसके बाद हमने यहाँ पे फॉर्मेट पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, ये हटाना हमने सारा, ठीक है? ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, आप मुझे बोलते हो ना ये ऐसे भी हो जाता, वैसे मुझे पता है मेरा टॉपिक कुछ और होता, आप कहीं और लेके जाते हो उसको, ठीक है? ये वाला जो एड्रेस है, ये हम खुद भी बना सकते हैं ये फाइल, ये नहीं कि हमें ढूंढनी पड़ेगी, ये खुद भी बना सकते हो आप, इंटरनेट पे बहुत है। पहला वाला एड्रेस मैंने क्या किया, कॉपी किया, उसके बाद दूसरा कर लूँगा मैं, ये जो बना के रखा है यहाँ पे, मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ मैं, यहाँ पे फिर पेस्ट करता हूँ मैं, ठीक है? अब क्या करना, हमने फ़ोन को स्विच ऑफ करना है, स्विच ऑफ करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, इसको फ़ोन को कनेक्ट करना है, ठीक है? या आप ओथ बाईपास जिससे करते हैं वो यूज़ कर सकते हो, जिसका पोर्ट रुक जाए, ठीक है? उसके बाद एक ही क्लिक से हम FRP बाईपास कर सकते हैं, समझ गए? ये एक और है, चलो मैं इसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसमें आपको ये भी मिल जाएगा, क्या नाम है इसका, ये जो ड्राइवर है USB के ड्राइवर, जो भी आपको चाहिए होगा, ठीक है? ये एक है, ठीक है? आपको मैं सारा बता दूंगा, मेरी वीडियो लंबी होती है मैं मानता हूँ, पर क्या करूँ, बोलना पड़ता है सारा कुछ, ठीक है? अब मैं आपको इसको क्या कैसे करके दूंगा, देखो हम इसको UMT से भी कर सकते हैं, अनलॉक टूल से भी कर सकते हैं, अगर MT की, मैं ऑल इन वन की बात कर रहा हूँ, जितने भी हमारे पास फ़ोन है A से लेके Z तक, जितने भी सैमसंग के ब्रांड हैं जिनको FRP लगती है, तो उसको हम एक ही क्लिक से डाउनलोडिंग मोड से कैसे निकालेंगे, बात आ जाती है यहाँ पे, ठीक है? अब मॉडल कौन सा है उसकी बात अलग है, ठीक
ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी बात मैं करना चाहता हूँ, आपको थोड़ा बहुत समझाना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो तो पहले ही सारी नहीं देखते, क्या पता ये और देखेंगे बंदे, इसलिए बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जो पहले वीडियो देख चुका है मेरी, समझ चुका है, तो वो ये वीडियो ना ही देखे तो अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, हम जो ये फ़ोन होते हैं हमारे पास, उसकी जो है, जैसे हमें फाइल इसकी डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है, FRP निकालने के लिए हमने इसको क्या करना है, डाउनग्रेड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अच्छे से दिखाता हूँ, मुझे कॉल आ रही है इंस्टा पे, इसलिए थोड़ा मुझे सही नहीं होता। एंड्रॉयड वर्जन 11 है, ठीक है, उसके बाद ये मॉडल नंबर होता है 8107F, ठीक है, ये मॉडल नंबर है। उसके बाद ये डबल एक्स छोड़ो, ये जो U8 है ये बाइनरी होती है, ठीक है मेरे भाई, मैं आपको अच्छे से दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, ये जो 8 है ये बाइनरी है इसकी, ठीक है। उसके बाद ये जो CU12 है, कुछ बैच लेवल के हिसाब से कुछ होता है कोडिंग, तो ये जो 8 है यही बाइनरी है बीच में, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसको मैं स्विच ऑफ करता हूँ, 8 बाइनरी हम कर लेंगे, एंड्रॉयड 11 है, तो मैं 9 चढ़ा लूँगा इसमें या 10 चढ़ा लूँगा। आप कहाँ से वो डाउनलोड कर लोगे, वो आप यहाँ पे देख लोगे आप, ठीक है। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे इसको मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे आपने सर्च करना है SAM, FW, ठीक है, पहले नंबर पे आप क्लिक कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे आप मॉडल लगाओगे, आपका क्या था, A107 7 में दो मॉडल है ना, कौन कौन सा है, F है और M है, हमें F सिलेक्ट करना है, ठीक है। जब आपने सिलेक्ट कर लिया, आप नीचे जब जाओगे आपको यहाँ पे बाइनरी मिलेगी, ठीक है, इस पे ऑल पे क्लिक कर लोगे आप, आपको ये चेंज नहीं, बाइनरी नहीं चेंज करना, जो मर्जी कर लो, बाइनरी जो आपके फ़ोन में है वही आपने यहाँ पे लगा। देखो कोई फ़ोन हमारा क्या होता है, लोगो पे होता है, तो उसको कैसे आप निकाल सकते हो, इन्फो उसकी कैसे निकालोगे, सैम की आप ओपन कर लोगे, सैम की से भी हो जाएगा डाउनलोडिंग मोड पे, ठीक है, रीड इन्फो Z3X से भी रीड इन्फो आ जाती है, उसकी बाइनरी है क्या, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 8 है, 8 मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक हो गया। अब हमें चाहिए एंड्रॉयड वर्जन, ये आ गया ना एंड्रॉयड वर्जन, एंड्रॉयड वर्जन अभी 11 था, मैं 10 कर लूँगा या 9 कर, ठीक है, जो यहाँ पे अवेलेबल होता ना, जैसे कोई फ़ोन आपने लगा लिया, इसमें अवेलेबल नहीं होगा तो नहीं कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद कोई भी कंट्री सिलेक्ट कर लो, अगर आपको पता है मेरा फ़ोन किस कंट्री का है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई भी कंट्री से, मतलब कोई भी फाइल ले लो आप किसी भी कंट्री का, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे एंड्रॉयड 11 भी है, एंड्रॉयड 10 भी है, ठीक है, 9 तो मैंने सिलेक्ट किया ही नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने 10 ही सिलेक्ट किया वहाँ पे, तब जाके 11 10 आ गया, 9 का था 9 भी आ जाता। अब यहाँ पे बाइनरी देखो, यहाँ पे 7 है, ये अगर कर लेंगे ना तो फ्लैशिंग एरर दे देगा, या हमारा फ़ोन उसका सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाएगा, आधा ही चढ़ेगा तो नहीं होगा। अभी एंड्रॉयड 10 में जो करना है, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ डाउनलोड नहीं होगा, यहाँ पे क्लिक कर लूँगा तो डाउनलोड मेरी फ़ाइल हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे नीचे जाता हूँ मैं, ये देखो रिमो FRP भी दिखा रहा है, ये पेड नहीं है, फ्री है। बहुत सारे दोस्त मुझे बोल रहे थे ये पेड है या फ्री है, ये बिल्कुल फ्री है मेरे भाई, तो आप यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, कोई पैसा नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, ठीक है। यहाँ पे जब हम क्लिक कर लेंगे ना, उसके बाद ये डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगी यहाँ पे। तो कितने GB की है आपको पता ही है, 3, आई थिंक 3 GB की है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ, क्लोज करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, SP फ्लैश टूल, हाँ सॉरी ओडियन, आपने ये वाला डाउनलोड करना है, लेटेस्ट जो होता है, ठीक है, ये भी वहाँ से ही मिलता है, उसी साइट से मिलता है आपको, ठीक है। तो अब मैंने फाइल डाउनलोड जो मैंने आपको दिखा दी ना, वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ डाउनलोड, ये ठीक है, ये मैंने अनजिप भी करके रखा है। ये जो AP है, BL है, CP है, CSE है, होम को छोड़ो, होम की कोई टेंशन नहीं है, इसको डालो मत और पड़ती भी नहीं है। तो ये देखो, ये जो AP है ना ये यहाँ पे पड़ती है, ये जो BL है ना ये यहाँ पे पड़ती है, और एड्रेस आप मुझे बोल रहे थे एड्रेस कैसे कॉपी करते हैं, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, इसको ऐसे कॉपी करना है, कॉपी किया आपने, फिर जब BL पे क्लिक कर लोगे ना, यहाँ पे वही जो है पेस्ट कर लो एड्रेस,
जब कर लोगे उसके बाद यहाँ पे ओपन कर लोगे, आपको वही फाइलें आ जाएंगी। ठीक है, मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा, उसके बाद फाइल्स में जाऊँगा, उसके बाद वही फाइल मुझे फिर मिल। ठीक है, अब मैंने कहाँ पे क्लिक किया था, BL सबसे पहले हमने सिलेक्ट करना है, पहली वाली। उसके बाद दूसरी कौन सी है, AP है, तो AP पे मैंने सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद CP है, ठीक है, यहाँ पे CP है। तो कोई भी फ़ोन हो आपके पास, ज़रूरी नहीं है यही वाला फ़ोन हो, आप इस वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे सर्च कर लो, उसके बाद फाइल मिल जाएगी। बस बाइनरी का ध्यान रख लेना, एंड्रॉयड जो मर्ज़ी चढ़ाओ। ठीक है, अब CP हमने करना है सिलेक्ट, CP किया मैंने, उसके बाद है CSC। ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब मैंने फ़ोन को क्या करना है, डाउनलोडिंग मोड पे लाना। तो डाउनलोडिंग मोड कैसे आ जाता है, अगर आपका होम की वाला फ़ोन है, होम की दबा वॉल्यूम डाउन आना आ जाएगा। ठीक है, अब ये होम की है ही नहीं, इसको दोनों वॉल्यूम और आप दोनों दबा के रखने हैं, उसके बाद USB इन करनी है। तो ये USB जो है ना कंप्यूटर के साथ लगी है, ठीक है, चार्जर के साथ नहीं है, कंप्यूटर के साथ लगी। यहाँ क्या ना, अब बोल रहा है वॉल्यूम डाउन अगर दबाओगे रिस्टार्ट हो जाएगा फ़ोन, वॉल्यूम अप दबाओगे डाउनलोडिंग मोड पे, मैं वॉल्यूम अप दबा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो FRP ऑन है। ठीक है, ये हो गया, अब यहाँ पे भी देख सकते हो आप, ये हो गया कनेक्ट यहाँ पे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कभी कोई दिक्कत होती है जब हमारा फ़ोन कनेक्ट नहीं होता, जैसे यहाँ पे कनेक्ट हो गया हमारा सैमसंग फ़ोन। ठीक है, कभी USB ख़राब होती है, कभी चार्जिंग जैक ख़राब होता है, कभी कभी क्या होता है, जब यहाँ पे थोड़ा सा एरर दिखाता है तो हमारा USB ड्राइवर का इशू होता है। USB ड्राइवर का इशू ख़त्म कैसे कर लोगे आप, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे सर्च कर लोगे आप सैम की। ठीक है मेरे भाई, सैम की जब क्लिक कर लोगे यहाँ पे इंटरनेट का इशू है शायद, मुझे लग रहा है आज बहुत स्लो चल रहा है नेट बहुत ज़्यादा। तो सैम की का पहले ही आ जाएगा वहाँ पे डाउनलोडिंग पे, यहाँ पे जाओ डाउनलोड पे, यहाँ पे ये वाला USB ड्राइवर आप इंस्टॉल कर लो, बढ़िया है। ठीक है, जब भी इसको इंस्टॉल कर लोगे कोई सैमसंग फ़ोन आप कनेक्ट करके रख लो, ठीक है, तो अच्छे से हो जाता है। ठीक है, अब ये सारा काम ख़त्म हो गया ना, एक ही क्लिक से हम FRP ख़त्म कर लेंगे। अब जो ये मेरे पास फाइल है ना, ये बेकार नहीं है, इससे बहुत सारे फ़ोन हम कर लेंगे। ये नहीं कि आप ये नहीं सोचना एक फ़ोन के लिए हम इतनी 3 GB फाइल डाउनलोड क्यों करें भाई मेरे, ये एक फ़ोन के लिए नहीं है, जितने भी फ़ोन आपके पास ये वाली बाइनरी के आ जाएंगे ना, आप कर सकते हो उसको फ्लैशिंग, और फाइल बेकार नहीं होती है, 1-2 साल निकाल लेती है, 3 साल भी निकाल लेती है एक फ़ाइल। ठीक है, बेकार नहीं होती है। जैसे मेरे पास कोई फ़ोन है, मेरे पास दूसरा वाला कोई फ़ोन आ जाएगा मेरे पास 2-4 दिन के बाद, 5-10 दिन के बाद, 1 साल के बाद, मैं उसको बाइनरी चेक कर लूँ, बाइनरी 8 होगी, एंड्रॉयड जो मर्ज़ी उसमें पड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है, बाइनरी 8 हो मैं चढ़ा लूँगा, फ़ोन चल जाएगा फर्स्ट क्लास। ठीक है ना, तो बाकी जो बाकी दोस्त हैं ऑनलाइन वाले खाते, जिनको मज़ा नहीं आता ये काम करने में, वो ऑनलाइन ही जाओ फिर, अच्छी बात है। ठीक है, और जो मेरा भाई बोल रहा था, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, जो हमारे पास MTK होता है फ़ोन, ये होने दो फ्लैशिंग, आपको यहाँ पे मैं आपको सिखा दूँगा। ठीक है, आप मेरी चैनल पे जाओगे ना होम पे, उसके बाद ये वीडियोस है आप देखोगे, यहाँ पे ये वीडियो भी मैंने बना दी थी। ठीक है, यहाँ पे देखोगे आप कितनी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये देखो, जब भी कोई नया ट्रिक आता तो मैं आपको बोल देता हूँ। ठीक है, ये इस वीडियो में भी मैंने सारा कुछ बोला हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप मुझे हमेशा बोलते हो एक ही क्लिक से कैसे होता है, एक ही क्लिक से मैंने किए हैं ना बहुत सारे फ़ोन, एक नहीं बहुत सारे किए। ठीक है, तो ये वाला मैंने एक ही क्लिक से किया हुआ, शायद यही वाला है, हाँ बिल्कुल, एंड्रॉयड 11 ही, एक ही क्लिक से मैंने किया था। MTK CPU जो होते हैं ये एक ही क्लिक से, अगर क्वालकॉम भी CPU हुआ इसमें, किसमें, ये क्या नाम है इसमें सैमसंग में, वो भी EDL पॉइंट अगर है उसके, तो बिल्कुल 100% हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, कोई एरर फ्लैशिंग में नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। आप जब प्ले लिस्ट में जाओगे यहाँ पे प्ले लिस्ट में जाओ, यहाँ पे मैंने अलग अलग बना के रखे फोल्डर, आपको क्या क्या चाहिए, जैसे ये विदाउट PC है, ठीक है, उसके बाद ये है, सारा कुछ मैंने बना के रखा है, तो आप यहाँ पे भी जाके देख सकते हो आराम से। ठीक है, तो जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाता हूँ ना, उसी के रिलेटेड क्वेश्चन किया कर लो, ये मत बताया कर लो आपने वैसा किया, मुझे पता है A10S MTK है,
हमने अनलॉक टूल यूएमटी एसपी फ्लैश टूल से भी कर सकते हैं, एक ही क्लिक से हो जाएगा। मुझे पता है मैं कुछ और सिखा रहा था, आप कुछ और बता रहे, ठीक है। आज की वीडियो में मैंने ये सिखाना है, हमने किसी भी फ़ोन की एफआरपी आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। देखो अगर कभी कभी कोई फ़ोन क्या होता है उसको डाउनग्रेड करके भी एफआरपी नहीं निकलती है, ज़रूरी नहीं है एफआरपी निकल जाए, पर एफआरपी अगर नहीं निकली तो आसान हो जाता उसका काम। आपको मैं समझाता हूँ, इसकी एफआरपी तो 101% निकल गई मुझे पता है, ठीक है। अगर नहीं निकलती है तो आप क्या करोगे, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, यहाँ पे ख़त्म हो गया इसका काम। आप कोई सा भी टूल ओपन कर लो, जैसे ये वाला टूल मेरे पास है, ठीक है, ये वाला टूल ओपन कर लो आप, ठीक है। उसके बाद आसान हो जाता है, आपको कुछ भी नहीं करना, मैं समझा रहा हूँ आपको, बस आप समझ जाओ जो जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ ना, तो ये आप अच्छे से अगर समझ जाओगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप ज़रूरी नहीं है सैमसंग ब्रांड ही कर लोगे, कोई भी ब्रांड कर लोगे। जैसे मैंने ये ओपन कर लिया, उसके बाद आपने कहाँ पे जाना है, एंड्रॉयड पे जाना है, ठीक है। उसके बाद बाईपास एफआरपी पे क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद इस पे क्लिक कर लो, ब्राउज़र सीधा निकल जाएगा। उसके बाद आपको देखो, जब आप फ़ोन को डाउनग्रेड कर लोगे, आपको पता ही है पिन विंडो किसी में काम कर लेगा, किसी में सिग्नल लॉक, किसी में गैलेक्सी स्टोर में जाके हमने हिडन सेटिंग वो करनी है, किसी तरीके से भी मेरे चैनल पे आपको सारी वीडियोस, बहुत सारी वीडियोस भी मिल जाती, करीब करीब 450 वीडियोस थी, वो प्रॉब्लम हो गई थी मेरी चैनल को, कोई ले गया था, उसने सारी डिलीट कर दी, नहीं तो मैं आपको समझा लेता सारा कुछ। इसमें भी फिर भी जो आपके काम की है ना, सारी वीडियोस पड़ी हुई है, आप देख, आप अगर अच्छे से देखोगे ना, टाइटल पढ़ा करो यहाँ पे, आपको खुद समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम कोई ऐप, ये वाली एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप वीडियो को समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ, सारा कुछ समझ जाओगे, आपको किसी मतलब लंबा टॉपिक आपको करना ही नहीं, ठीक है, आपको बिल्कुल आसानी से आप काम कर लो। जैसे ये वीडियो मैंने किसने 38 मिनट की मैंने ये वीडियो बना दी, इसमें दो फ़ोन है, एक एमटी के है, कॉलकॉम है, रेडमी के फ़ोन है, तो मैंने सारा इसमें वो बूट डेट था एक फ़ोन का, Redmi 6A का, ठीक है। उसके बाद उसमें FRP और क्या नाम है उसका, MI अकाउंट लगा था, वो भी मैंने निकाला। उसके बाद 8A ड्यूअल था जो रील आपकी प्रॉब्लम करता था, वो भी फिक्स कर दिया। हम ऐसे कैसे कर लेंगे बाईपास, और फाइल से कैसे कर लेंगे, जो वो 200 KB की होती है ना फाइल, तो वो कैसे कर लेंगे, वो सारा कुछ मैंने बोला। अगर आपके पास टाइम है ना तो आप इसके लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के कर लिया कर लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखा करो, अगर इतनी लंबी है, अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के ये कर लिया कर लोगे ना, आपको सारा समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा वेट करते, फ़ोन हमारा ओपन हो गया, तो फिर भी अगर किसी किसी फ़ोन में, जैसे मैंने बोला ना 90% हो जाते हैं, थोड़े से फ़ोन है 10% जो में आते हैं, थोड़े से फ़ोन वो FRP नहीं होते, इससे डाउनग्रेड करके नहीं होते, तो वो भी बता दूंगा मैं वो क्यों नहीं होते हैं और उनको कैसे करना होता है, ठीक है। यहाँ पे इसको ओपन होने दो, चलिए जी फ़ोन ऑन हो जाएगा। तब तक मैं आपको बता दूं, जब हम कोई सा टूल ओपन करते हैं, जैसे मैंने ये टूल ओपन किया है, तो इसके लिए देखो Android 10 आ गया, इसमें लोगो आपने देख लिया होगा, 9 का भी लोगो ऐसे होता है, 10 का भी लोगो ऐसे होता है ना, पहले कैसा था, ठीक है। अभी आपको पता है इसमें FRP नहीं है, जब वाईफाई कनेक्ट कर लेंगे FRP बाईपास हो जाएगा, ठीक है। तो फिर भी अगर किसी किसी फ़ोन का नहीं होता है, उसको डाउनग्रेड करके कैसे बिल्कुल आसानी से हम कर लेंगे, वो भी इस वीडियो में आपको बता दूंगा अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, वाईफाई कनेक्ट होना चाहिए या सिम डाल के रखा करो, क्योंकि हमने ब्राउज़र निकालना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट करता हूँ,
वाईफाई कनेक्ट करके आपको मैं बता दूंगा। FRB बाईपास तो हो गया मुझे पता है, पर फिर भी मैंने आपको, अगर किसी किसी फ़ोन का नहीं निकला उसको हमने क्या करना है, ठीक है, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा अच्छे से। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है यही, इस टूल के लिए, ये जो टूल है ना हमारे पास, इस टूल के लिए आपके PC में भी इंटरनेट होना चाहिए, जो आप फ़ोन FRP कर लोगे ना उसमें भी होना चाहिए, ठीक है। अब किसी किसी दोस्त का यहाँ पे ब्राउज़र नहीं निकालता, फ़ोन फेल आ जाता है यहाँ पे, उसके लिए मैं आपको बता दूँ, आप जब कंट्रोल पैनल में यहाँ पे जाओगे, ठीक है, जो आपके यहाँ पे USB ड्राइवर होगा, समझ गए, यहाँ पे जो सैमसंग का USB ड्राइवर होगा उसको अनइंस्टॉल मार लो, ठीक है। उसके बाद जो मैंने अभी आपको वीडियोस में USB ड्राइवर बताया ना सैम की का, वो डाउनलोड करके कोई फ़ोन कनेक्ट करके रख लो सैमसंग का, ठीक है, फिर उसको इंस्टॉल कर लो, 101% आपका ब्राउज़र निकल जाएगा फ़ोन में, ठीक है। ये लास्ट वाला तरीका है, इससे अगले वाला कोई तरीका आपको कोई बोलेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए जी, होने लगा आप, ये हो गया ना यहाँ पे, ये देख लीजिए FRB बाईपास हो गया, ठीक है, आपने देख लिया। अब मैं आपको एक और तरीका दिखाता हूँ, अगर ये नहीं होता, कोई कोई फोन नहीं होता, जैसे मैंने आपको बोला बिल्कुल वैसे ही करना है, ये कनेक्ट हो गया, यहाँ पे हमने क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ब्राउज़र आपका आ गया, व्यू पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है, व्यू पे क्लिक करके अगर इसने क्रोम निकाला ठीक है, नहीं तो खुद निकाल लो यूट्यूब से, ठीक है। अब यहाँ पे क्रोम, इसने ब्राउज़र निकाल लिया, यहाँ पे आप क्या कर लोगे, ADDRROM ये सर्च कर लोगे, ठीक है, उसके बाद इस पे क्लिक कर लोगे, उसके बाद जैसे मर्जी आप इसको स्क्रीन बाय वो FRP बाईपास कर लोगे। देखो अभी क्या था, इसका एंड्रॉयड 11 था, 10 आ गया, ठीक है। उसके बाद जैसे मर्जी कर लो आप, अगर आपके फ़ोन में यहाँ पे ये सेट स्क्रीन लॉक काम कर गया, ये वाला, ठीक है, ये पैटर्न वाला अगर काम कर गया तो अच्छी बात है, ये जैसे कर लिया इसने, ठीक है ना, तो आप कर लेना ऐसे जैसे आपका दिल करे, ठीक है ना, तो जैसे मर्जी आप कर लो, ये एक तरीका हो गया, ठीक है। एक और तरीका मैं आपको बता दूं, ये वाला जो तरीका मैं आपको बोलने जा रहा हूँ ये है MTK के लिए, ठीक है, MTK जो फ़ोन होते हैं ना हमारे पास, उनके लिए ये। इसको मैं नीचे करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ, आप SP फ्लैश टूल को ओपन कर लो, ठीक है, अनलॉक टूल को ओपन कर लो या UMT टूल को ओपन कर लो, ठीक है, ये तरीका उसके लिए, जैसे ये यहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है, इससे भी आप कर सकते हो SP फ्लैश टूल से, ठीक है, अनलॉक टूल से भी कर सकते हो, UMT से भी, जो मगर ये वाला मेथड कौन सा है, MTK के लिए, ये सारे फ़ोनों के लिए नहीं है। जो पहला तरीका मैंने आपको बता दिया वो किसके लिए है, सबके लिए, ठीक है, ये वाला तरीका खाली आपको किसके लिए मिलेगा, जो फ़ोन आपके पास MTK है, A10s है, A12 है, ऐसे बहुत सारे मॉडल है जिनका CPU MTK आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे MediaTek पे, उसके बाद यहाँ पे जाता हूँ मैं, यहाँ पे मैं इरेज FRP करता हूँ, ठीक है।
निकालता हूँ मैं इसको, वैल्यूम डाउन दबा के या वैल्यूम अप दोनों में से एक दबा दो, यूएसबी इन कर लो, ठीक है। जब लगाओ के उसके बाद एक ही क्लिक से एफआरपी खत्म, ठीक है। कितने सेकंड में निकाला इसने? 14 सेकंड में निकाल दिया, यूएसबी निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। 14 सेकंड में इसने एफआरपी निकाल दी। ये तरीका भी मैंने आपको बता दिया। ये वाला तरीका जो है ये खाली एमटी के सीपीओ पे काम करेगा, ठीक है, ये एक क्लिक से। तो बाकी जो है, बाकी ये वाला जो ये एसपी फ्लैश टूल जो है ये भी एमटी के ही निकालता है, एमटी के फ़ोन जो होते हैं ना सैमसंग के, वो भी, मतलब इससे आप कोई भी निकाल सकते हो एमटी के, ठीक है। जो मैंने अभी तरीका बताया, जो मैंने फाइल का तरीका बता दिया, ये वाला जो हम ऑडियंस से करते हैं, तो ये वाला तरीका ये हर सैमसंग फ़ोन पे काम करेगा, ठीक है। बस आपने हमेशा ध्यान रखना है, बाइनरी याद रखनी है हमेशा, वो गलत नहीं करना, ठीक है। बाकी देख लो आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो, बिल्कुल एफआरपी बाईपास हो गया। सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। अब भी अगर कुछ डाउट हो तो फिर भी मुझे बता सकते हो आप आराम से। यहाँ पे मैं वाईफाई बंद करता हूँ, टाइम कम लगा लेगा इसको ओपन होने में। यहाँ पे देखे हो गया, ठीक है। उसके बाद एक और दोस्त मुझे कमेंट करके बता रहा था, जब इसको डाउन करते हैं एंड्रॉइड को तो फिर ये पहला जैसा नहीं रहता। जब फोन को ओपन किया कर लो, फिर अपडेट कर लिया कर लो, काम खत्म, वैसा का वैसा हो जाएगा। आप करते थोड़ी ना, आप खाली बोलते रहते हो। ठीक है, सारा तरीका मैंने आपको बता दिया। अब मुझे नहीं लगता आप और क्वेश्चन कर लोगे इस बारे में। आप पहली वाली वीडियो चढ़ाई थी तो वहाँ पे आप बहुत सारा बरसात ही कर दिए थे, आप पता नहीं क्या क्या बोलते रहते थे, ठीक है। इतना काफ़ी है, फिर भी कुछ रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट, शेयर। अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। ओके दोस्तों, लव यू, अल्लाह हाफिज़।